दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में। हिंदुस्तान में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने कि डीएपी खाद का प्रयोग नहीं किया हो। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको डीएपी के बारे में सही जानकारी भी नहीं है, जैसे कि डीएपी क्या है, डीएपी किस तरीके से काम करता है और डीएपी को हम किन किन फसलों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, फसल बुआई के समय यह खाद फसल के अंदर कितने समय तक कार्य करता है और प्रति एकड़ हमें डीएपी कितनी डालनी चाहिए और प्रेजेंट में अभी डीएपी की क्या कीमत है, संपूर्ण A to Z डिटेल में जानकारी होने वाली है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीएपी खाद का प्रयोग करने का सही तरीका फसल बुआई का समय होता है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो डीएपी का प्रयोग पहले व दूसरी सिंचाई के वक्त करते हैं। तो बात करें डीएपी के बारे में तो डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनिया फॉस्फेट है, जिसे किसान आमतौर पर डाई के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से दो रसायन से मिलकर बना हुआ है, पहला है अमोनिया और दूसरा है फॉस्फेट। डीएपी में मुख्य रूप से 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फॉस्फोरस होता है। जो ये 18% नाइट्रोजन होता है उसमें से 15.5 अमोनिया नाइट्रेट होता है और 40% फास्फोरस में से 39.5 फास्फोरस पानी में आसानी से घुलनशील होता है। कृषि क्षेत्र में इस रासायनिक खाद की खोज 1960 के दशक में हुई, जो कि हरित क्रांति के लिए मुख्य रासायनिक खाद बनी और वर्तमान में विश्व भर के किसानों के लिए यह लोकप्रिय खाद बना हुआ है और यह किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है। दोस्तों डीएपी खाद का प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं? तो डीएपी खाद का प्रयोग आप गन्ना, गेहूं, मक्का, सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, बैंगन, प्याज, मिर्च, गोभी आदि सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। और डीएपी खाद का प्रयोग किसी भी प्रकार की सब्जी हो या किसी भी प्रकार की अनाज वर्गीय फसल हो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डीएपी खाद से होने वाले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों डीएपी खाद पौधे के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करता है, जिससे कि पौधे के अंदर फल फूल ज़्यादा आते हैं। खाद पौधे के आकार को बढ़ाने में साथ ही पौधे के तने को मजबूत करता है और डीएपी खाद मिट्टी के संपर्क में आकर जड़ों को मजबूत बनाता है और जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ जैसे हमारी कंद वर्गीय फसलें हैं, गाजर है, आलू है, मूली है, प्याज है आदि के कंद के आकार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। डीएपी खाद से इन फसलों के जो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। डीएपी खाद का प्रयोग कैसे करें? इस खाद का प्रयोग किसान भाई किसी भी फसल की बुआई से पहले करते हैं, जिससे कि फसल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। बहुत से ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि इस खाद का प्रयोग फसल के अंदर पहले व दूसरी सिंचाई के वक्त करते हैं, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। जिन किसान भाइयों की मिट्टी कम उपजाऊ है, यदि वो फसल बोने से पहले डीएपी खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो फसल अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकती है कम उपजाऊ वाली भूमि पर। दोस्तों अब हम बात करें कि डीएपी खाद की मात्रा हमें फसल के अंदर कितनी डालनी चाहिए। दोस्तों यदि आप अनाज वर्गीय फसल लगा रहे हैं या फिर सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो प्रति एकड़ हमें 50 kg डीएपी की आवश्यकता होती है, यह एक परफेक्ट डोज होती है। बात करें डीएपी खाद के लाइफ सर्कल की तो यह फसल के अंदर कितने समय तक कार्य करता है, तो जिस दिन से आप बुआई कर रहे हैं उससे लगभग 3 महीने तक यह खाद फसल के अंदर काम करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं 2023 में डीएपी का क्या रेट चल रहा है। तो पूरे भारतवर्ष में 2023 में जो डीएपी का रेट है वो हमें 1350 रुपये के हिसाब से मिल रही है। बिना सब्सिडी के यदि बात की जाए डीएपी के वास्तविक रेट की तो यह 2400 रुपये पर बैग के हिसाब से मिल रही है और इस पर हमें भारत सरकार 1000 रुपये से 900 रुपये तक सब्सिडी दे रही है, जैसे कि डीएपी का सरकारी रेट 1350 रुपये है। दोस्तों आपके यहाँ डीएपी का क्या रेट चल रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।